प्रिया मैं हूं मायंक और आपका स्वागत है आपकी फेवरेट चैनल ब्रोस रिएक्शन में। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ओ माय बेबी लिरिकल सॉन्ग पे, और यह गुंटुम कारा मूवी से, और इसमें है महेश बाबू सर, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम ने, और इसमें म्यूजिक है थामन एस का, इस गाने को गाया शिल्पा राव ने। तो सबसे पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉफी कपलो शुगर क्यूब नुवे नुवे ना कंटेरे पलो काटुका मुगु नुवे नुवे ना झंपल कंटे ना झामंती सिग्गु नुवे नुवे ना वो बिरगाली नी परफ्यूम मले चुटे स्तावे ओ माय बेबी ओ नी बुकलु पिंडाली ओ माय बेबी ओ नी कुमुतलु पिटाली ओ माय बेबी ओ ना चुन्नी नी कूटाई कट्टाली। Craving for you na pillow pakkana novel nuvu tripping on you na playlist vaipoyavu सॉन्ग। और वैसे इस मूवी का ये सेकंड सिंगल है, और लिटरली पहला जब गाना आया था वो एकदम बहुत पावरफुल म्यूजिक के साथ था, और ये दूसरा गाना थोड़ा रोमांटिक ट्रैक कह सकते हो आप, लेकिन इस पूरे गाने के अंदर मतलब जो भी शिकायतें हैं वो सब इस गाने में चल रही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डांस दिखा देना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन लिरिकल सॉन्ग है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हमने बहुत सारे गाने सुने तो उनमें थोड़ा बहुत डांस मूव होता ही है, बाकी पूरा गाना ऐसे चलता रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस और लिरिक्स पे किया गया है। इस पूरे गाने में हमें लिरिक्स देखने को मिले और जो स्केचेस थे वो हमें देखने को मिले, लेकिन श्रीलीला और महेश बाबू लिटरली दोनों इतने ज्यादा अच्छे लग रहे साथ में, और श्रीलीला मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उनकी मैंने बहुत सारी मूवीज भी देखी है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है, और वो भी मतलब साड़ी के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और इस गाने में भी हमें वो साड़ी में देखने को मिली, और साथ ही साथ महेश बाबू उनका जो चार्म है वो अलग ही लेवल का रहता है, और ये गाना मुझे अच्छी चीज मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से स्केचेस बनाए गए ना तो उनमें भी उनको स्माइल करते हुए दिखाया गया, उनकी स्माइल इतनी ज्यादा कमाल, और वो रियल फोटोज से वो स्केचेस हां बनाए, तो वो इतने ज्यादा कमाल लग रहे हैं ना, और इतना हैंडसम कोई बंदा कैसे हो सकता है। महेश बाबू सर सच में
इतने ज्यादा कमाल दिखते हैं। और इस गाने में ये जिस तरह से गाना वाइब कर रहा था ना, वो बहुत ही ज्यादा है। क्रिएटिविटी पूरे वीडियो में आप क्रिएटिविटी देखिए, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। म्यूजिक इतना अच्छा है, और जब ये पूरा वीडियो आएगा तब हमें इनकी जो केमिस्ट्री है ना वो देखने को मिलेगी, और दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा। और म्यूजिक में तो मतलब क्या ही बात करें थामन एस के बारे में, ये मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ये कमाल गए। अनिरुद्ध, थामन एस, इन दोनों का जब भी नाम आता है तो आप एकदम श्योर होते हो कि इस मूवी का म्यूजिक आउटस्टैंडिंग होने वाला है। और शिल्पा ने बहुत अच्छे से गाना गाया है, जितनी अच्छी उनकी वोकल है, एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस लगती है। तो और ये गाने मतलब शिल्पा ने बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये गाना हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।